हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम का है। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टू डिजिट नंबर जो होता है वो 10 to 99 तक होता है, राइट ना। 10 to 99, जब भी टू डिजिट नंबर की बात होती है तो समझ लो उसमें टू डिजिट होता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 98 की, अगर मैं बात करूँ तो 98 में 8 आपका यूनिट डिजिट्स है एंड 10th डिजिट है। बातें समझ में आ रही ना। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, बचपन में आपने कभी ये भी पढ़ा होगा कि से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अगर आपको यूनिट डिजिट मालूम है और 10th डिजिट मालूम है तो हम लोग टू डिजिट नंबर निकालने का एक एक्सप्रेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, राइट ना। फिर उसके बाद क्या था कि जब डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, जब डिजिट के प्लेस को बदल देते हैं, उसके पोजीशन को बदल देते हैं, तो न्यू नंबर जो होता है वो 10 × यूनिट डिजिट प्लस 10th डिजिट। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए, ओरिजिनल नंबर की बात होगी तो हमेशा याद रखिएगा 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। लेकिन जब डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद नंबर जब आता है तो उसको हम क्या अज्यूम करते हैं, आप बातें समझ में आ रही है ना, 10 × यूनिट डिजिट प्लस 10th डिजिट। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। कोई दो डिजिट नंबर इस तरीके से है कि उसके डिजिट का प्रोडक्ट, डिजिट कहने का सेंस हमेशा याद रखिएगा यूनिट डिजिट एंड 10th डिजिट दोनों का प्रोडक्ट 18 है, गिवन है। व्हेन 63 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज द प्लेसेस, मतलब 63 सबट्रैक्ट किसमें से किया जा रहा है, ओरिजिनल नंबर से, तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे टू डिजिट नंबर का प्रोडक्ट जो दे रहा है मेरे को, टू डिजिट का प्रोडक्ट जो दे रहा है 18, तो इसमें आप मान लो लेट 10th डिजिट मान लो एक्स, ओके 10th डिजिट हमने x मान लिया। याद रखिएगा कभी भी दो का प्रोडक्ट दिया हो ना तो कोई एक आप मान लो x, तो अनदर जो होगा उतना बाय उतना होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। मान लो कि कोई दो नंबर का प्रोडक्ट है, सपोज दो नंबर का प्रोडक्ट है 15, जिसमें मान लो एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 15/3 5। नहीं, बातें समझ में आई। मैंने क्या कहा कि कोई नंबर दो डिजिट का प्रोडक्ट है 15, सपोज दो डिजिट का प्रोडक्ट है 15, जिसमें एक नंबर हम मान लेते हैं 3 तो दूसरा नंबर क्या होगा 15/3 यानी 5, तब ना 5 × 3 15। सिमिलरली एक 10th डिजिट हमने क्या माना x, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, सोचिए यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 18/x। क्लियर है बातें, तब ना इसको मल्टीप्लाई करो तो फिर 18 आ जाएगा। तो जब हमें 10th डिजिट मालूम हो गया और यूनिट डिजिट मालूम हो गया तो आप क्या करो, टू डिजिट नंबर फाइंड कर लो। टू डिजिट नंबर हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बहुत ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था। तो 10 × 10th डिजिट, तो 10th डिजिट क्या है x प्लस यूनिट डिजिट क्या है 18/x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10x + 18/x। क्लियर है बातें, यहां तक बातें क्लियर है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी रहने दे क्वेश्चन एक बाद में। फिर क्या कर रहा है, व्हेन 63 सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां डालते हैं। प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है कि जब 63 उस नंबर से घटा देते हैं, व्हेन 63 सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर कौन सा, ये आपका नंबर हुआ, तो इस नंबर से 63 घटा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। आपका 10x + 18/x है, इसमें से 63 हम माइनस कर दिए, ओके। द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट क्या होता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, तो जब डिजिट अपना पोजीशन चेंज करेगा तो नंबर क्या होगा, 10 × इक्वल हो जाएगा 10 × यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितना है 18/x प्लस 10th डिजिट x। यहां तक बातें क्लियर है ना। चलिए इसको आगे हम सॉल्यूशन देते हैं, तो क्या होगा 10x + 18/x - x, फिर उसके बाद -180/x
18 टेन 180 बाई एक्स, फिर माइनस 63, डेट इक्वल 0। यहां तक बातें क्लियर है, उम्मीद है। हमने क्या किया, सबको लेफ्ट साइड लिया और इक्वल टू जीरो कर दिया, मतलब एक इक्वेशन बन गया। ओके, अब जरा गौर फरमाइएगा, 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, क्लियर बात है। फिर उसके बाद क्या होगा, 18 बाई एक्स माइनस 180 बाई एक्स, तो इसको आप क्या करो, आप एलसीएम ले लो, तो एक्स एलसीएम हो जाएगा, तो 18 माइनस 180, क्लियर है बातें। फिर माइनस 63, डेट इक्वल 0। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, 9x प्लस 180 में से 18 जब आप माइनस करोगे तो सिंपल सी बात है, यहां साइन आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 में से 8 गया 2, 17 में से गया क्या 16, उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। 162 बाई एक्स माइनस 63, डेट इक्वल 0। क्या करना है आप यहां पे, आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम एक्स हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर्ड, बातें समझ में आ रही है ना, माइनस 162 माइनस क्या होगा, सोचिए खुद से, 63x डेट इक्वल 0। अब यहां पे मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, गॉट माइएगा, 9x स्क्वायर माइनस 162 माइनस 63x डेट इक्वल 0 इंटू एक्स 0, क्लियर है बातें। अब फिर इसके बाद हम जो सॉल्यूशन करते हैं तो मेरे को क्या आएगा, जरा गौर फरमा सकते हो, 9x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 162 डेट इक्वल टू 0। क्या इसमें कॉमन सोमन आपको दिख रहा है, कभी भी याद रखिएगा, कोई भी इक्वेशन हो अगर उसमें आपको कॉमन सोमन नजर आ रही हो, कॉमन सोमन दिख रहा है, तो बेशक आप कॉमन लिया करो, इससे क्या होगा, रिजल्ट आपका, सॉल्यूशन आपका इजी हो जाएगा। तो 9 जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 963 एक्स, और यहाँ क्या होगा, गौर फरमाइएगा, 18 9 162 नहीं कहो 972 डेट इक्वल 0। यहाँ तक बातें क्लियर है, नीचे स्पेस है, छोटी हटा एक नहीं लिखते हैं यहाँ पर। अब बताइए, तो 9 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, 0, तो मेरे को क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल 0। यहां तक बातें क्लियर है, उम्मीद है। अब यहां पे क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसा कि आप बचपन में पढ़ा है, तो फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को 18 आएगा, और मिडिल वाला जो टर्म देख रहे हो, मिड वाला, इसके लिए दो डिजिट चाहिए, जो मल्टीप्लाई करने पर 18 एंड जोड़ने या घटाने पर मेरे को 7 आना चाहिए। सोचो 9 और 2 होगा कि नहीं, कि 6 और 3, 6 और 3 नहीं होगा यार, 6 3 9 या 6 में 3 या 3, लेकिन मेरे को 7 चाहिए, तो 9 और 2, 9 2 18, 9 2 7। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल 0। अब इस पेयर में से कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 9 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 डेट इक्वल 0, तो x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो यहां पे मेरे को x का दो वैल्यू आएगा, एक तो आएगा x इक्वल x माइनस 9 इक्वल 0, देन x इक्वल 9, एक x होगा x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 2, तो माइनस 2 वाला जो होगा आपका रिजेक्टेड, क्योंकि डिजिट जो होता है नेगेटिव में नहीं लेना है, डिजिट हमेशा हमें पॉजिटिव में लेना है। तो ये x का वैल्यू 9 जो हो रहा है, देख पा रहे हो, ये हम एक्सेप्ट करेंगे। फाइंड मेरे को क्या करना है, फाइंड द नंबर, नंबर क्या है, तो नंबर हमारा ओरिजिनल है, आप देख सकते हो 10x प्लस 18 बाई एक्स, तो यहां लिखे क्या, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल क्या है, 10x प्लस 18 बाई एक्स, राइट ना, 10x प्लस 18 बाई एक्स, तो 10 इंटू 9 90 हो जाएगा, दिख रहा होगा उम्मीद है, 10 इंटू 9 90 और प्लस 18 बाई 9 क्या होगा, 18 बाई 9, 9 2 18 2, फाइनली मेरे को आ गया रिजल्ट क्या, 92। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है क्या, 92। तो फाइनली आपके सामने सेम वैसा ही क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें कंडीशन, उसमें क्या था कि उसमें सब्ट्रैक्ट था, 45 इज सेपरेटेड, बट इन दिस क्वेश्चन 45 इज एडेड टू द नंबर, उसमें कुछ ऐसा ही था, सब्ट्रैक्शन था, बट इसमें क्या है, ऐड करना, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो बस कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसी हर बातें, ऐसे हर, देखिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को सेट करना, ये इक्वेशन को सेट करना ही नहीं जान पाते हैं,
तो मैं वही चीज बताऊंगा, वही कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा जो आप खुद से किसी भी क्वेश्चन का इक्वेशन बखूबी अच्छे अंदाज में सेट कर पाओ, राइट ना। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखेंगे। तो वही पुरानी बात, मेरे को नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करने के लिए दो डिजिट चाहिए, यूनिट्स और टेंस। यहाँ पे दो डिजिट का प्रोडक्ट कितना कर रहा है, 14 कह रहा है, तो क्या मानेंगे, लेट द टेंस डिजिट बी, लेट द टेंस डिजिट बी, टेंस डिजिट बी एक्स। ओके, तो यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा, यूनिट डिजिट मेरे को हो जाएगा कैप मल्टीप्लाई 14 है दोनों का मल्टीप्लाई, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, 14 बाई एक्स। क्लियर है बातें, जब हमें डिजिट्स मालूम हो गया तो बखूबी अच्छे अंदाज में हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, टू डिजिट नंबर। तो यहां लिखेंगे क्या, टू डिजिट नंबर। क्या होता है, 10 इंटू टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट आपका यहां पे एक्स है, प्लस यूनिट डिजिट, तो 14 बाई एक्स। क्या हो जाएगा आपका, 10x प्लस 14 बाई एक्स। यहां तक बातें क्लियर है, हमने तो ओरिजिनल, ये एक तरह से आपको मैं बता दूं, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, ये कौन नंबर, ओरिजिनल नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, गौर फरमाइएगा, यहां पे कॉइन टू क्वेश्चन डालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। प्रश्न अनुसार, व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, 45 किस में ऐड कर रहे हैं, नंबर में ऐड कर रहे हैं, नंबर आपका क्या है, ये हमारा नंबर है ओरिजिनल नंबर, नंबर का मतलब यहां पे ओरिजिनल नंबर, इस नंबर का मतलब हुआ ओरिजिनल नंबर, याद रखिएगा, उस नंबर का मतलब हुआ ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, 10x प्लस 14 बाई एक्स। क्या कहा जा रहा है, व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में 45 ऐड कर दिए, ओके, देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड या इंटरचेंज या चेंज देयर पोजिशन। तो जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था 10 इंटू यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट, लेकिन ओरिजिनल नंबर की अगर बात हो तो वहां पर क्या लिखते हैं, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, लेकिन डिजिट जब इंटरचेंज हो जाता है तो क्या लिखते हैं, 10 इंटू यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट। बातें क्लियर है ना, तो गौर फरमाइएगा, दैट इक्वल 10 इंटू यूनिट डिजिट क्या है, इसमें देखिए ये आपका यूनिट डिजिट है 14 बाई एक्स, अब प्लस टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या है मेरे को, यहाँ पे x है। यहाँ तक बातें क्लियर है, उम्मीद है हर बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, तो आप मोटिवेट मेरे को करना कोशिश करोगे कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या करना है, गौर फरमाइएगा, सारे टर्म को हम एक साइड ले आते हैं, तो 10x प्लस 14 बाई एक्स प्लस 45 और ये क्या होगा इधर आएगा, तो माइनस 140 बाई एक्स, 14 टेन जा 140, तो 140 बाई एक्स, और यहां क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल जीरो। यहां तक बातें उम्मीद है क्लियर है, हर बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं, तो 10x और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x, 10 वहां भी शायद माइनस ही था, बिल्कुल 10x माइनस एक्स 9x, और 14 बाई एक्स माइनस 140 बाई एक्स प्लस क्या है, 14 बाई एक्स माइनस 140 बाई एक्स प्लस 45 इक्वल जीरो। यहां तक बातें क्लियर है, अब गौर फरमाइएगा, 9x प्लस इसका एलसीएम मेरे को x हो जाएगा, तो 14 माइनस क्या होगा, 140 प्लस 45 डेट इक्वल जीरो, तो 9x और 14 में से 140 माइनस करोगे तो सिंपल सी बात है साइन यहां आपका क्या होगा, माइनस का होगा, तो 10 में से 4 गया 6 और 13 में से गया 12, 126 बाई एक्स प्लस 45 डेट इक्वल जीरो। इसमें से आप 9 कॉमन ले सकते हो, तो क्या होगा मेरे को, x माइनस क्या लिखें यहाँ पे, या ऐसा करो पहले एलसीएम ही ले लो, ठीक रहेगा, वही से कोई अब वैसे चेंज कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एलसीएम एक्स हो गया, तो क्या लिखेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 126 प्लस क्या होगा, 1 को x से डिवाइड करेंगे x, एंड x को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे को होगा 45x डेट इक्वल जीरो। यहाँ तक बातें क्लियर है, अब आगे देखिएगा, हम यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 126 इक्वल जीरो इंटू एक्स जीरो। क्या इसमें मेरे को 9 कॉमन आ रहा है? बेशक, तो 9 आप कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 95 जा 45 माइनस 9 इकाई 9 3 36 9 चौका 36 डेट इक्वल जीरो। उम्मीद है यहाँ तक बातें क्लियर है। क्या नीचे स्पेस दिख रहा है? चलिए एक स्टेप और लिखते हैं। 9 इंटू में तो इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल जीरो, यहाँ तक दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के टर्म पे आ गया, मतलब एक तरह से समझिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब जब तीन टर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसे जनरली हम लोग जो सॉल्व करते हैं बाय द प्रोसेस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, राइट ना। सो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल जीरो, क्लियर है? सिंपल सी बात है, आप भी यहाँ पे समझ सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 14x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। सोचिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 14 आना चाहिए माइनस 14 और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो ये मिडिल टर्म के लिए दो डिजिट बताइए जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 14 या जोड़ने या घटाने पे 5। तो सिंपल सी बात है, 7 एंड 2, 7 माइनस 2 5, 7 2 जा 14, माइनस 14 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल जीरो। कॉमन लेंगे पेयर में से, तो एक कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 और फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 डेट इक्वल जीरो। क्या आएगा, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 डेट इक्वल जीरो। यहाँ तक बातें क्लियर है, देख सकते हैं जब हम आइदर करेंगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 7 इक्वल जीरो होगा तो क्या होगा, x इक्वल मेरे को आ जाएगा माइनस 7 एंड x माइनस 2 इक्वल जीरो तो x इक्वल क्या होगा 2। मैंने अभी कहा है कि निगेटिव वाला जो होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और जो पॉजिटिव रहता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अब कहोगे निगेटिव क्यों रिजेक्ट किए सर? इसलिए निगेटिव रिजेक्ट किए क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिजिट की बात हुई है और डिजिट जनरली हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है। डेट्स वाई हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। सो हमारा यहाँ पे एक्स इक्वल क्या आया 2। फाइंड क्या करना है, आप गॉल्फ मार सकते हो, फाइंड द नंबर। नंबर मेरा कौन सा है देख सकते हैं, नंबर हमारा ये ओरिजिनल नंबर है, क्या है 10x प्लस 14x। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड नंबर। 10x का मतलब क्या हुआ, 10x मतलब 10 इंटू एक्स का वैल्यू मेरे को क्या आया 2, अब प्लस 14x तो 14 बाई 7 तो 14 बाई 2 क्या हो जाता है 7, तो 20 प्लस 7 डेट इक्वल क्या आया मेरे को 27। और इस तरीके से मेरा टू डिजिट नंबर आता है 27 और यहीं पे आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है, फिनिश होता है, द एंड होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये दो क्वेश्चन जो मैंने बताया टू डिजिट नंबर के आधार पे वो आपको बातें समझ में आई या नहीं आई। समझ में आई तो हमें मोटिवेट करने के लिए सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों के भी शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये तो आप लोगों ने पढ़ा टू डिजिट नंबर, इसके बाद देखेंगे एजेस वाला पे, एज पे भी क्वेश्चन होते हैं, इसको कैसे सेट किया जाता है क्वेश्चन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।